गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैस। अब हमें पता है कि फ्रिक्शन जो होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं और उसकी वजह से फ्रिक्शन एक इंटरलॉक हो जाता है दोनों सरफेस के बीच में, तो वो इजिली मूव नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लिक्विड्स में क्या कैसे फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन लिक्विड्स में कम होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि बारिश होगी तो आप बाहर निकलोगे, तो आप लोग जब उसमें मूव करने की कोशिश करोगे आपको स्लिप लेने के ज़्यादा चांस हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज जो होती है सरफेस पे वो वाटर से फिल हो जाती हैं। हमें यह भी पता है कि फिशेस की बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे क्या होता है वाटर की फ्रिक्शन को कम करके मूव कर सकता है। हम जब स्विम करते हैं तो हम भी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बॉडी में चेंज करते हैं ताकि क्या हो सके, फ्रिक्शन कम हो सके और आगे हम मूव कर सकें। बोट्स जो होती हैं वो भी क्या होती है स्ट्रीमलाइन शेप में होती हैं ताकि क्या कर सके, बोट्स ईजिली फ्रिक्शन कम करके आगे मूव कर सकें। अब फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर में हमने यही पढ़ा कि फ्रिक्शन तो कम होती है पानी में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे वही दिया गया सारा जो मैंने समझाया कि फ्रिक्शन जो है कम करने के लिए बोट्स और शिप्स जो होती हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप में होती हैं और फिशेस जो होती हैं वो भी स्ट्रीमलाइन शेप में होती हैं। स्ट्रीमलाइन मीन्स आगे से वी शेप में, ताकि वो इजिली मूव कर सके फ्रिक्शन को काट के। स्विमर भी क्या करते हैं, बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी में स्ट्रीमलाइन शेप में चेंज करके आगे मूव करते हैं। तो हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। फ्रिक्शन जो होती है हवा में होती है मगर उतनी नहीं होती जितनी लिक्विड और सॉलिड में होती है। तो हम बोलेंगे कभी कभी तो हमें महसूस भी नहीं होता कि फ्रिक्शन हवा में है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं बोलूँगी कि हम लोग एक वो ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं। अब उसको मैं एक हाइट से नीचे गिराऊंगी तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसको नीचे आने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो उसको मूव करने में रोक रही है, तो वो फ्रिक्शन है। एक एयर रेजिस्टेंस है जो उसको मूव करने से रोकता है। नेक्स्ट मैं उसी पेज को अगर क्रम्पल करके नीचे फेंकूंगी, उसका शेप थोड़ा एरिया थोड़ा कम करके नीचे फेंकूंगी, तो वो इजिली मूव कर जाएगा, उसको मूव करने में आसानी होगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ कि उसको फ्रिक्शन नहीं रोक पाई जितना उसको जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा था उसको रोक पाई? तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन तो हवा में भी है मगर उतनी नहीं है। तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन जो है डिपेंड करती है किस पे, सरफेस एरिया पे जो हवा में। अब नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि जैसे बर्ड्स की शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि क्या कर सके, उनकी बॉडी ऐसी शेप होती है कि वो इजिली मूव कर सके, हवा के रेजिस्टेंस को कम कर सके और इजिली आगे फ्लाई कर सके। एरोप्लेन जो होती हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो एयर के फ्रिक्शन को कम करके आगे मूव कर सकें। गाड़ियाँ जो होती हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड होती हैं ताकि हवा के प्रेशर को कम कर सकें और आगे मूव कर सकें। अब मीटियोर तो आपको पता है कि जो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल रॉक्स होती हैं जो स्पेस से आके नीचे ज़मीन पर गिरती हैं। अब जब वो आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है जिससे उसमें क्या हो जाता है, आग लग जाती है। अब वैसे ही मैं बोलूँ कि स्पेसशिप जब हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं तो हम उसका मटेरियल ही ऐसा बनाते हैं जो हाई हीट रेजिस्टेंस होता है। उससे क्या होगा कि जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो उसमें आग नहीं लग पाएगी फ्रिक्शन की वजह से।